एवरीवन, दिस इज पुकू एंड वेलकम टू माय अनदर न्यू ब्लॉग। और जैसे कि आप लोग ने देखा कैप्शन में, आज मैं हिंदी भाषा बोल रही हूँ और आज मैं हिंदी लैंग्वेज में ब्लॉग करूँगी गाइस। और अभी भी सुबह के 5:30 बजे और गाइस मुझे माफ़ करना, मुझे ज़्यादा हिंदी तो नहीं आता, थोड़ा थोड़ा आता है, फिर भी मैं हिंदी में ब्लॉग करने वाली हूँ क्योंकि जो मेरे यूट्यूब के फैमिली है वो इंडिया से भी है गाइस। सो ये वीडियो वो दोस्तों के लिए जिन्होंने मेरे यूट्यूब ब्लॉग को पसंद करते और मुझे सपोर्ट करते, सो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। सो मैं आज भी जा रही हूँ, मॉर्निंग वॉक करने जा रही हूँ। सो सुबह प्रभात आप लोगों को सबको, और थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी। आई ओके, देखो गाइज मैं नेपाल से हूँ ना, इसलिए मुझे थोड़ा थोड़ा वो नेपाली भाषा भी मिक्स करने आता है ना, तो थोड़ा इंग्लिश भी मिक्स होगा इधर। सो आप लोग नाराज मत होना मेरे से, और मैं हिंदी सीखने के और भी ट्राई करूँगी। और फिर हाँ, अभी मैं जा रही हूँ, पापा और मैं निकल लेंगे और पापा वापस आ गए, और पापा जल्दी वापस आएंगे क्योंकि पापा को काम करना है ना, वो फसल खोलना है और फिर बिजनेस करना है ना, तो मैं जा रही हूँ। और मैं आऊँगी करीब 1 और 1.5 घंटे में आऊँगी घर वापस, तो इसलिए अभी मैं जा रही हूँ गाइज। सो कीप वॉचिंग, आज क्या क्या होगा, कैसे बोल पाऊँगी मैं पता नहीं, लेकिन हाँ थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रॉम इंडिया, लॉट्स ऑफ लव टू इंडिया। ओके एंड हाँ, मैं जा रही हूँ अभी गाइज, पता नहीं क्या क्या बोलूँगी आज, फिर भी मैं ट्राई करूँगी अच्छा बोलने के लिए। सो सी यू गाइज। सो गाइज मैं आ चुकी हूँ इधर, देख सकते हो आप, घर के बहुत दूर आ चुकी हूँ मैं, इधर तक रनिंग करके आ गई क्योंकि मेरे घर के पास पास बहुत ज़्यादा घर है ना, तो इसलिए प्लग करने भी थोड़ा दिक्कत होगा ना इतना सुबह, तो थोड़ा मुझे हेजिटेशन हो गया ना कैमरा के साथ, फिर इसलिए मैं इधर आ गई। देख सकते हो इधर ज़्यादा घर नहीं है, और दूर जाएंगे तो उधर बहुत वो क्या बोलते खाली जगह है ना, और भी अच्छे से ब्लॉग कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। सो अभी तो मैं उधर जाने की ट्राई कर रही हूँ क्योंकि उधर जाके और भी बात करेंगे ना। सो चल रहे हैं हम अभी, आप लोग देख सकते हैं बहुत मज़ा आ रहा है यार मुझे। हाँ गाइज, और एक बात बोलना चाहती हूँ, मुझे तो थोड़ा वो यार वाला वो होता है ना, वो बहुत मुंह में आ जाता है ना, वो बोलने की आदत है ना, और कितने मेरे दोस्त जो इंडिया से है आप लोग को भी वो आदत है, आप कमेंट बॉक्स पर ज़रूर कमेंट करना। ओके, ये घर बन रहा है, ये लास्ट घर है ठीक है, और इसके बाद इधर भी है, इसके बाद दूर दूर तक कोई भी घर नहीं है, है लेकिन बहुत दूर है, तो अभी हम जाने वाले इधर लगभग बहुत उधर ये ब्रिज के पास, तो इधर आ गया बड़ा वाला। वेलकम बैक, फिर से आ गई। ओके, तो मैं क्या कह रही थी, दिन में मुझे हेजिटेशन नहीं होता किसी से भी, ओके मैं आराम से वाला कर सकती हूँ, लेकिन अभी बहुत सुबह है ना, मॉर्निंग टाइम है ना, तो मॉर्निंग टाइम में कैमरा लेके थोड़ा वो हो गया ना मेरे को, तो बस इसलिए मैंने नहीं किया वो लोग के सामने, नहीं एक दो लोग होंगे तो कोई बात नहीं, बहुत सारे लोग होंगे तो थोड़ा वो अर्ली मॉर्निंग में थोड़ा वो होता है ना मेरे को। सो गाइस देख रहे हैं मैं चल रही हूँ, देखो इधर
अच्छे ना, ये जंगली फूल है लेकिन फिर भी अच्छे हैं। पता नहीं गाइस, मॉर्निंग है ना इसलिए सब कुछ अच्छा लग रहा है। अभी फ्रेश माइंड है, सब कुछ अच्छा लगेगा ना। तो हाँ, मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, हमेशा बोलती हूँ और हमेशा बोलूँगी। सो गाइस, आप लोग सबको पता है अभी ये जनरेशन के लोग सब लोग बहुत बिजी रहते हैं ना अपने काम में, और बहुत इतना बिजी रहते कि उन लोगों को खाने का और अपने सेहत का भी ख्याल नहीं रख से ख्याल रखने का टाइम नहीं होता। ओके, तो मैं इसी वीडियो से कहना चाहती हूँ कि गाइस देखो मेरी हिंदी क्या हो रही है, फिर भी कोई बात नहीं, अच्छी है। अरे अपने अपने आपको अच्छी बोल रही हो, अरे यार मैं क्या है। ओके सो हाँ, मैं क्या बोल रही थी, आप जितना भी बिजी हो जितना भी काम करते हो लेकिन थोड़ा टाइम आपको अपने सेहत पे, ओके अपने हेल्थ पे देना चाहिए, क्योंकि हेल्थ से बढ़कर और कुछ नहीं है। अगर सेहत है तो आप हैं, सेहत नहीं है तो आप भी नहीं है। तो काम करने के लिए आप तो होना पड़ेगा, आपको तो जीना पड़ेगा, जीना के लिए तो थोड़ा हेल्थ को टाइम देना ही पड़ेगा ना। सो ये मैंडेटरी है, इसलिए मैं कहना चाहती हूँ कि थोड़ा टाइम आपके सेहत पे आप लोग सेहत पे दे दो, और मॉर्निंग का थोड़ा टाइम ज़्यादा मत सोना। उठ के ना आप ऐसे ही मॉर्निंग वॉक, ज़्यादा कुछ नहीं करना चाहिए। हाँ, आप ना हमेशा डेली मॉर्निंग में थोड़ा चल चल भी सकते हो ना, तो वो भी बहुत बहुत बड़ी बात है। ठीक है, जो मॉर्निंग में हमेशा वॉकिंग करते हैं ना, आय आँख में कुछ चले जाना था नहीं गया, अरे मैं तो डर गई आँख कुछ से। थोड़ा वॉक करो और सुबह उठ के गर्म पानी पिए और वॉक करे, और हेल्दी खाना खाइए, बाहर का ज़्यादा मत खाना। कभी कभी खाने का मन लगे तो थोड़ा खाना, लेकिन डेली मत खाना। ओके, और फिर गाइस बात करते करते मैं तो हाउसिंग में आ गई, देख सकते हो आप। तो हाँ, बस थोड़ा एक्सरसाइज करें। ओके, जितने भी बिजी हो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अपना अपने शरीर को अपनी बॉडी को प्यार करना चाहिए, अपने आप को प्यार करना चाहिए ना। सो टाइम फॉर योर सेल्फ। ओके, आपको निकलना पड़ेगा ना अपने लिए टाइम, फिर सब अच्छा होगा। ओके, देखो ये जगह कितना अच्छा है, बस इधर देख सकते हो आप। इधर जाएंगे हम सीधा, उधर जाके उधर भी एक जगह है, उधर बैठ के एक्सरसाइज करेंगे, और फिर लगभग 1-1.5 घंटे में घर जाएंगे ना। उधर जाके मैं थोड़ा एक्सरसाइज करती हूँ, बहुत अच्छा लगता है मुझे। गाइस बता दो, ओके ज़रूर बता देना वीडियो देखने के बाद ना, कमेंट बॉक्स में मेरा हिंदी कैसा है आप लोग बता देना, क्योंकि और भी सीखना है ना मुझे, उतना जल्दी इतना ज़्यादा नहीं आता हिंदी आप लोगों के जैसे। ओके, फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ। हाँ, मैं सोच रही थी ब्लॉग बनाने में। ओके, बहुत पहले से सोच रही थी, जब मैंने एनालिटिक्स में जाके कंट्रीज़ में देखा तो अरे मेरे को तो इंडिया के दोस्त भी देख रहे, मुझे इनके लिए वीडियो बनाना चाहिए ना हिंदी में भी। तो मैं सोच रही थी 24 आवर लाइक मैं हिंदी स्पीकिंग, जस्ट हिंदी स्पीकिंग चैलेंज करूँ, लेकिन
वो मौका नहीं मिला ना, लाइक वो बिजी थी, मैं बिजी थी थोड़ा और कुछ करने में, तो फिर हाँ आज मेरे को मौका मिला। मॉर्निंग वॉक जा रही हूँ यार, अभी इसी मौके में चौका उड़ा देती हूँ, चौका उड़ा देती हूँ। फिर मैंने सोचा अरे गाइस मैं तो बहुत बोली यार, उधर से आके इधर तक मैं बस ब्लॉग कर रही हूँ, कोई बात नहीं अभी तो एक्सरसाइज करेंगे ना। तो हाँ, तो आज ये वीडियो आपके लिए है, ताजा ताजा हरियो गाजा। अरे ये बोलना नहीं चाहिए था। पकड़ लिया। ओके देखो गाइस मैं इधर आ चुकी हूँ और सनराइज भी देखने को मिलता है, लेकिन आज तो सब ढका हुआ है। मेरे साथ क्यों होता है, कल तो देखने को मिला था, आज ब्लॉग कर रही हूँ तो नहीं दिख रहा है। गाइस मैं 5 बजे उठी थी, पता है आप लोगों को, 5 बजे उठ के मॉर्निंग वॉक में निकली मैं। अभी देखो 5 बजे उठी थी लेकिन मॉर्निंग वॉक में 5:45, ओके 5:45 में निकल गई थी। तो ये मेरा जगह है और मैं इधर रखती हूँ गोप्रो, इधर रखती हूँ और मोबाइल भी इधर रख के टाइम लैप्स पे वो वीडियो बनाती हूँ ना सनराइज का। पता नहीं आज सूरज निकलेगा या नहीं, निकलेगा लेकिन जब तक मैं इधर हूँ पता नहीं निकलेगा या नहीं। ओके देख सकते हैं ना, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। हाँ तो क्या बोलूँ मैं अब, मैं अब इधर बैठ के एक्सरसाइज कर दूंगी। और हाँ पता नहीं क्या क्या करूँगी, सूरज तो इधर से ही निकलेगा क्योंकि इधर देखिए इधर का कुछ ये क्लाउडी बहुत डिफरेंट दिख रहा है ना, तो इधर से ही निकलेगा, कुछ येलो ऐसे ऐसे दिख रहा है ना। देखो गाइस, देखिए गाइस, हाँ तो गाइस इधर थोड़ा एक्सरसाइज करके मैं घर जाऊंगी। अब एक्सरसाइज शुरू करते हैं, बहुत बात हुई, एक्सरसाइज भी करना चाहिए ना, बात बहुत ज़्यादा हो गया। ओके सो गाइज आप देख सकते हैं इधर बहुत फ्रेश सूरज निकालने वाला है, तो इधर बहुत अच्छा दिख रहा है व्यू। मुझे इधर आके ये सनराइज देखना बहुत बहुत पसंद है, बहुत वो आनंद होता है ना, आनंद मिलता है। अंदर से ही बहुत पीसफुल फील होता है और बहुत अच्छा लगता है। मैं इधर आके हमेशा देखती हूँ ना, जब सनराइज होता है ना उसका कलर रेड और ऑरेंज जैसा दिखता है ना, बहुत अच्छा दिखता है। देख सकते हैं सनराइज होने ही वाला है और आज
आज वो बादल भी नहीं है ना, तो बहुत अच्छे से निकल रहा है। कल तो बहुत बादल थे ना आकाश में। आकाश को क्या बोलते हैं यार हिंदी में? मैं तो भूल गई। आकाश ही बोलते क्या? नहीं, गगन पता नहीं है। गगन बोलते क्या? हाँ, बहुत अच्छा दिख रहा है। अभी मैं थोड़ा एक्सरसाइज करूँगी। मैंने कैमरा ऑन करके छोड़ के मैं बैकग्राउंड में एक्सरसाइज कर रही हूँ। ओके गाइस, बहुत अच्छा दिख रहा है ना सूरज। सूरज निकला है यारो। हाय, कितना अच्छा है, ब्यूटीफुल व्यू है ना। गाइस, बहुत अच्छा दिख रहा है सूरज। वाह, पता नहीं कैमरा में दिख रहा है कि नहीं, देखती हूँ, चेक करती हूँ थोड़ा। अच्छा, इधर तो बहुत येलो रेड जैसा सूरज, पता नहीं कि सूरज तो निकला है। गोप्रो में जूम भी नहीं कर सकते। मैं ना फोन से लेती हूँ एक वीडियो और फोन से डालती हूँ। ओके, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मैं शिव का हूँ, शिव मेरे। आहा, कितने अच्छे बर्ड चले गए। पंछियों के साथ उड़ती चालू ऊपर। अरे, तो दो चले गए थे ना, ये लोग क्यों पिछड़ गए? अकेले चल रहे हैं अभी। दोनों अभी अकेले चल रहे हैं, देखो चले गए। थैंक गॉड गाइस, मेरे घर के पास इतना अच्छा जगह है ना, खाली जगह, क्योंकि खाली जगह बहुत कम मिलता है ना शहर में। तो थैंक गॉड इतना ज़्यादा खाली जगह है ना, मॉर्निंग वॉक करने को, एक्सरसाइज करने को, सब कुछ। बहुत पॉपुलेशन बढ़ गई है ना, तो खाली जगह ढूंढने के बहुत परेशानी होता है ना।
खास करके आपके घर के आसपास। तो अभी मैं और भी एक्सरसाइज करती हूँ कैमरा बंद करके। ठीक है गाइज, फिर मिलेंगे, थोड़ा एक्सरसाइज करके घर जाएंगे। ठीक है, अभी ये बर्ड्स आ रहे हैं इधर, उधर चले गए। कितने अच्छे दिख रहा है ना, उधर जाते तो मेरे कैमरे में भी कैप्चर होते। ओके गाइज, अभी मैं और भी एक्सरसाइज करती हूँ। ठीक आ रही है, सॉरी। ओम नमः शिवाय। ओके गाइज, सो गाइज आप देख सकते हैं सूरज बहुत ऊपर निकल गए और हम भी अब घर जाना चाहिए गाइज। बहुत टाइम स्पेंड किया इधर, बहुत एक्सरसाइज किया। हाय मैं तो थक गई, हाय मैं तो थक गई रे बाबा। जाते ओके। सो गाइज आई एम बैक और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है गाइज। आगे देख सकते हैं बहुत अच्छे सूरज दिख रहे हैं। ये जगह भी बहुत प्यारी है, देखिए। सो गाइज मेरे को बहुत अच्छा लगा इधर आके, थोड़ा वॉक किया, एक्सरसाइज किया और शिव को बहुत याद किया। ओम नमः शिवाय। ओके, मैं गढ़ की बात कर रही हूँ, भगवान की बात कर रही हूँ। ओके, अगर शिव बोला तो आप लोग सोचेंगे अरे मैं सिंगल हूँ, मैं मैरिड नहीं हूँ। ओके, मैं मेरे हस्बैंड या बॉयफ्रेंड को याद नहीं कर रही हूँ, मैं मेरे शिव को। ओके, मेरे भगवान, हम सब के भगवान, उनको याद किया बहुत सारा इधर आके। मैं बहुत, इतना अच्छा फील होता है ना मुझे, बहुत अच्छा फील हो रहा है और शांति मिल रही है मन को, बहुत सारा पीसफुल हो रहा है मेरा सब, मेरा ये दिल, मेरा ब्रेन, सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। अच्छे अच्छे थिंग्स आ रहे हैं, अच्छे अच्छे पॉजिटिव वाइब्स आ रहे हैं मेरे को और बहुत अच्छा लग रहा है। तो अभी ये जगह को बाय बाय कहना पड़ेगा क्योंकि मुझे वापस घर जाना पड़ेगा। अभी तो 7 बज गए, तो मैं इधर आई थी 5:45 में। ओके, 5:45 में आ गई थी, तो वो हो गया, घर से निकल गई थी ना 5:45 में घर से निकल गई थी और फिर हाँ इधर आ गई होंगी 6:00 आ गई होंगी इधर। तो पूरा 1 घंटा मैंने बिताया इधर और बहुत अच्छा फील हो रहा है मेरे को। देखो गाइस मैं बहुत खुश हूँ, बहुत हैप्पी हूँ। और हाँ आप लोग भी थोड़ा वक्त तो निकाल सकते हो आपके लिए, अपने आप के लिए, है ना, तो इसलिए निकाल लीजिए अपने आप के लिए थोड़ा वक्त और थोड़ा वक्त और निकल जाइए घर से मॉर्निंग वॉक करने के लिए। और आप लोग अगर मॉर्निंग में बहुत बिजी है या बहुत सारा काम है, मॉर्निंग में ही ऑफिस है ये सब करना पड़ता है, तो आप रात से पहले जो होता है ना, पता नहीं वो क्या बोलते हैं, हाँ जो इवनिंग टाइम होता है ना, हाँ आप इवनिंग वॉक कर सकते हैं। ओके, तो ठीक है गाइज, अभी तो मैं घर जाती हूँ, घर जाना चाहिए। और फिर थैंक यू सो मच मेरे इंडिया के दोस्त को या जो भी है आप मुझे देखते, आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अगर ये वीडियो में मुझे प्यार मिला तो मैं और भी ज़्यादा वीडियो डालूँगी हिंदी लैंग्वेज में। और हाँ वही तो है बात, क्या क्या बोलूँ यार, अरे हाँ सही है, देखिए धूप बहुत बहुत, धूप नहीं ये सूरज है, सूरज निकला है अभी तो
चलते हैं घर गाइस, घर भी जाना पड़ेगा और फिर क्या बोलते हैं, मेरे शूज, कल मैंने ब्लैक सूट पहना था, आज मैं ये सूट पहन रही हूँ। ये मेरे को पसंद आया था वो वक्त तो मैंने ले लिया। अभी मेरे को पिंक कुछ, मेरे को पिंक तो पहले से भी पसंद नहीं था, लेकिन मैंने ये बहुत इमरजेंसी में खरीदा था ना, तो इसलिए मेरे पास टाइम भी नहीं था और फिर वो भी नहीं था, क्या बोलते हैं, ऑप्शंस भी नहीं थे, तो मैंने बहुत जल्दी में खरीदा था, इसलिए मैंने पिंक ही खरीदा ना, तो मेरे को ज़्यादा पसंद नहीं है। बस मैं इसलिए जल्दी से मॉर्निंग वॉक में लगा के जल्दी जल्दी वो हो जाए ना, ऐसे ही फेंकना तो मुझे पसंद नहीं है। मेरा लाइफ का एक प्रिंसिपल है गाइस, किसी भी चीज़ को ना अपमान मत करना, किसी भी चीज़ का अपमान। और सबसे पहले तो खाने खाना है ना, जो खाना आपको मिलता है ना, खाना का कभी भी अपमान मत करना, ओके? क्योंकि ये धरती में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक एक रोटी खाने के लिए भी बहुत मेहनत करते हैं, है ना, बहुत वो होते हैं ना, तो इसलिए हमें जो मिल रहा है ना उसका बहुत सम्मान करना चाहिए। खाने को कभी भी वो नहीं करना चाहिए, क्या बोलते हैं, वेस्ट नहीं करना चाहिए, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, वो खाने को ना जितना खा सकते हो उतना लेना चाहिए, और जो बचा हुआ खाना होता है ना वो कभी भी मत फेंकना, ओके? ओके, तो जब आप लोग ना जितना खा सकते हो उतना ही खाना लेकर बैठना, ओके? वो खाना को मत फेंकना गार्बेज में, ओके? मेरे को ना एक चीज़ से बहुत गुस्सा आता है, वो है खाना फेंकना। अगर मैंने देखा ना किसी और ने ऐसे खाना फेंका है और क्या बोलते हैं, वो अच्छे से नहीं खा रहे, सब प्लेट में सब छोड़ के जा रहे हैं, अगर ये देखती हूँ ना मैं, तो मेरे को बहुत गुस्सा आता है। और मैं कभी भी खाना नहीं फेंकती, जितना खाना मैं खाना चाहती हूँ उतना ही लेती हूँ और सब खाती हूँ ना, नहीं छोड़ती प्लेट पे। तो सो गाइस, मैंने बहुत लॉन्ग टाइम ब्लॉग किया हिंदी लैंग्वेज में, आई होप आप लोग को पसंद आएगा मेरा ये ब्लॉग, मैंने जो ब्लॉग हिंदी में बनाया है। मैं होप करती हूँ आप लोग बहुत सारा प्यार देंगे, सपोर्ट करेंगे, ठीक है? और मुझे और भी इंस्पायर होंगी ना, और भी ज़्यादा वीडियो डालने में हिंदी लैंग्वेज में, तो इंडिया और नेपाल तो हम बहुत पास पास है ना, तो हम भी आप लोगों के सब बहुत वो वीडियो देखते हैं इंडिया के, और सीरियल्स वगैरह सब लोग, नेपाल और इंडिया का रिलेशन बहुत अच्छा है ना, कभी कभी होगा वो अपने अपने जगह है, लेकिन बहुत अच्छा रिलेशन बनाए ना पहले से ही, बहुत पहले से, इंडिया को भी नेपाल को ज़रूरत होता है, नेपाल को भी इंडिया की ज़रूरत होती है, तो हम लोग मिल के बैठना चाहिए सब लोग, है ना, 2 दिन का लाइफ है ना, तो क्यों क्यों बुरा होना, तो इसलिए सब प्यार बांटिए, प्यार से रहिए। और हाँ, आप लोगों ने देखा होगा नेपाल के बहुत सारे लड़कियाँ या लड़के, बहुत वो इंडिया में शादी होता है और बहुत खुश खुश रहते हैं, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। और हाँ, आई होप हमारा रिलेशन ऐसा ही रहेगा, नेपाल और इंडिया का बहुत अच्छा रिलेशन होना चाहिए, और
हाँ, मैं इंडिया के पीएम मोदी जी को भी नमस्कार बोलना चाहती हूँ। नमस्कार मोदी जी। और अरे मैं क्या क्या बोल रही हूँ पता नहीं, मैंने बस ये क्या रैंडम ब्लॉग बनाया तो पता नहीं क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ। हाँ सो गाइस, हाँ मुझे सपोर्ट कर देना। और इतना बोल के मैं ये ब्लॉग इधर ही एंड करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं घर जाके बहुत सारा काम है, घर साफ, वो मेरा रूम साफ करना है और बहुत सारे काम है, तो ये ब्लॉग मैं इधर ही एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग गाइज, कीप इंजॉय, टेक केयर, स्टे सेफ एवरी वन, वेर एवर यू आर। आई विल कम विथ अनदर वीडियो, मैं अगला वीडियो लेके फिर से आऊँगी गाइज। इंजॉय करिए सब लोग, हंसते रहिए, मस्त मस्त रहिए, चुस्त रहिए, पता नहीं। हाँ बहुत बहुत सारी ब्लेसिंग्स आप लोगों के लिए। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय, सी यू अगेन विथ अनदर न्यू ब्लॉग।